ओके सो ही गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेन। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कुछ टाइम पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्य घोषणा की थी 72 लाख कार्ड धारकों को फ्री राशन दिया जाएगा, जो कि 72 लाख लोगों को लगभग फ्री राशन दे दिया गया है। इसके बाद उन्होंने ये भी अनाउंस किया था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे थे अगर हमारे पास राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड लेने के लिए हमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा या फिर ऑफलाइन, यदि ऑनलाइन करना होगा तो कब से आवेदन होगा, ये जानना चाह रहे थे। तो आज हम यही बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दरअसल मैं आप लोगों को बता दूँ, दिल्ली में लॉकडाउन के रोजाना कमाकर खाने वाले लोगों भूखे ना रहना पड़े, इसीलिए सरकार ने दिल्ली में ऐसे लोगों को भी राशन देने का फैसला लिया था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस सप्ताह जिसके लिए पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा, इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर लिंक दिया जाएगा। कुछ सरकारी तकनीकी मंजूरी मिलने के साथ यह पंजीकरण खोल दिया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस श्रेणी में राशन पाने के लिए किसी भी तरह की आय प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। उसे इसके लिए ई कूपन बनेगा, उसे दिखाकर मात्र से ही उन्हें राशन दे दिया जाएगा। जो भी यह ई कूपन का पंजीकरण प्राप्त करेगा उसे राशन दिया जाएगा और इस तहत से उसे 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा, के बदले कोई भी पैसे नहीं लिया जाएगा। बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 दिन पहले ही घोषणा की थी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 17,550 कार्ड धारक से करीब 72 लाख लोगों को राशन मिलता है, मगर दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिहार से आकर रहते हैं, जो रोज कमा कर खाते हैं। लॉकडाउन में ऐसे लोगों को आमदनी पर असर पड़ा है। राशन कार्ड धारकों को भी राशन देने के लिए इस सप्ताह पंजीकरण के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दरअसल हो सकता है 3 से 4 दिन के अंदर में दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे टेम्परेरी राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाए, तो आप लोग वहां से जाकर टेम्परेरी ई कूपन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ई कूपन लेकर अपने नियर बाई राशन दफ्तर जाकर वहां से आप लोग राशन ले सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना है, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।